जय हिंद एंड वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ अविनाश सिंह। आई एम एन एलमनस ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी 141st कोर्स। इस चैनल के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ हाउ टू डेवलप योर पर्सनालिटी इन ऑर्डर टू क्लियर द SSB एग्जाम, क्योंकि मैंने खुद SSB काफ़ी एक्सपीरियंस करी है। मैंने टोटल 6 अटैम्प्ट दिए थे एंड आई गॉट रिकमेंडेड इन माई 5th अटैम्प्ट फॉर NDA 141st कोर्स। और साथ ही साथ मैं टेक्निकल एंट्री स्कीम 40 कोर्स के लिए भी रिकमेंड हुआ था, जिसमें मेरी रैंक 25 थी, ऑल इंडिया रैंक 25। सो आई फील दैट द एक्सपीरियंस दैट आई कैरी विद माई सेल्फ, जो भी मेरी लर्निंग्स थे, लेसन्स थे, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ थ्रू दिस चैनल। एंड ऑल्सो जो मेरे कोर्समेट्स हैं वो सर्विस में हैं, सो आई वेरी मच नो हाउ आर्मी लाइफ इज़ अबाउट, वॉट एक्चुअली हैपन्स इन द सर्विस वंस यू गेट कमीशन। सो माई सोल एम इज़ टू टीच यू गाइज अबाउट मिलिट्री एंड मोटिवेट यू एंड गाइड यू सो दैट यू आर एबल टू फुलफिल योर ड्रीम। सो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज के वीडियो में सबसे पहले मैं उन बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ जिन्होंने अभी रिसेंटली जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था NDA और CDS का, जिन्होंने भी क्लियर किया है, दे डिजर्व एप्रिसिएशन। और इट्स नॉट एन ईजी टास्क, यू नो, टू कम फ्रॉम दी मॉब ऑफ 6 लैक्स इन टू दी प्राइम स्लॉट ऑफ 8,000 और 9,000 स्टूडेंट्स। आई गेस इट्स नॉट इवन 8,000, इट इज़ जस्ट 6 or 7,000 दिस टाइम। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप उस बड़े चंक में से अब एक छोटे ग्रुप का पार्ट बन चुके हो। एंड आई होप यू नो दैट देर इज़ अ लॉट मोर दैट नीड्स टू बी डन नाउ, क्योंकि आपको SSB क्लियर करनी है और मेरिट इन होना है, मेडिकली फिट होना है, ठीक है। बट इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप छोटी छोटी चीज़ों पर अपने आपको प्रेस करें। साथ ही साथ मैं उन बच्चों के बारे में भी कुछ कहना चाहूँगा जो इस बार रिटन एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आई होप आपने अभी तक एनालाइज कर लिया है कि रीज़न क्या था आपके फेलियर का। मैं अपने चैनल पे हमेशा यही ट्राई करता हूँ कि मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दे पाऊँ, एक क्लियर पिक्चर दिखा पाऊँ कि एग्जैक्टली आपसे एक्सपेक्टेड क्या है पेपर में और आप कैसे उस गोल को अचीव कर सकते हो। मैं भी रिटन 2-3 बार फेल हुआ था एंड मुझे पता था क्लियरली कि आखिर गलती हो कर रही है, ठीक है। अगर मैथ्स में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, मैं मैथ्स ही सॉल्व करता रहता था, मेरे मैथ्स में मार्क्स बहुत अच्छे आ जाते थे। लेकिन क्या वो ज़रूरी है? क्वेश्चन ये, 300 मार्क्स का पेपर है और उसके लिए 25% मार्क्स, 75 मार्क्स चाहिए बस, अगर कट ऑफ क्लियर करने की बात करें तो उसको उतना ही टाइम दो ना। यही गलती मैं कर रहा था और ये गलती जितनी ज़्यादा देर तक आप करते रहोगे उतना डिले होता जाएगा और शायद आपका अटैम्प्ट भी ख़त्म हो जाए। तो विद दिस नोट लेट्स टॉक अबाउट NDA 2024। आज नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। आज से आप फॉर्म भर सकते हैं, 4 जून तक फॉर्म की डेडलाइन है। आपका जो एग्ज़ाम है वो 1st of September को है। तो देखा जाए तो 100 दिन का टाइम है आपके पास प्रिपेयर करने के लिए एंड बिलीव मी 100 डेज इज़ मोर देन एनफ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम। स्पेशली अगर आप एक सिंसियर स्टूडेंट हैं और रिसेंटली 12th के भी रिज़ल्ट आए हैं, तो बहुत से बच्चे अभी TS और नेवी टेक की SSBs जाएंगे, तब उनको खुद ही पता चलेगा कि बेनिफिट क्या होता है एक डायरेक्ट एंट्री में जाने का और एक रिटन क्लियर करके जब आप SSB देने जाते हो उसमें कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे यही बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले आपके साथ मैं कवर करूँगा आज की वीडियो में सिलेबस जो है, ब्रॉडली बताऊँगा कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि कट ऑफ के ट्रेंड क्या है और आपको कैसे कवर करना है मैथ्स, GS और इंग्लिश। आपको इन 3 चीज़ों पर ध्यान देना है ऑन अ डेली बेसिस फॉर द नेक्स्ट 100 डेज। और साथ ही साथ कोचिंग के बारे में भी बात करेंगे और जो 12th के करंट स्टूडेंट्स हैं उनको क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिलेबस। तो पहले मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट से जो मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं ये मैं आपको दिखा दूँ, ये मैंने UPSC से लिया है, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि मैथ्स का जो सिलेबस है वो एंटायर 11th एंड 12th स्टैंडर्ड का, ठीक है। अब मैं इसमें आपको ना क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा, अगर मैं जस्ट इस वाले पेपर से जो 1 था 2024 NDA 1 का जो पेपर था, आप इसमें देख पाओगे कि NCERT के कॉन्सेप्ट पे डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। अब आप कहोगे कि सर सिर्फ NCERT से तो एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, ठीक है, आपकी बात भी सही है, लेकिन आपका अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना तो आप चाहे कितनी भी बुक लगा लो आपका पेपर नहीं निकलने वाला। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको सिर्फ 40 क्वेश्चन कर दोगे अगर सही से पेपर में तो आपका मैथ्स का कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, बाकी नंबर जो है आप GS से ले आना, ठीक है। अभी पहले अब मैं आपको सिलेबस ब्रॉडली दिखा देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि आप खुद से देखें, ट्रेंड एनालिसिस भी दिखा रहा हूँ मैं आपको, और ख़ुद से सॉर्ट आउट कर लो कि कौन कौन से टॉपिक्स में मुझे मास्टर करना है। अगर आप अलजेब्रा, ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स ये 3 टॉपिक भी पिक करते हो ना तो आप आराम से पेपर में 50 क्वेश्चन तक अटैम्प्ट कर लोगे एंड यू हैव टू इंश्योर दैट योर एक्यूरेसी इज़ 90% to 100%। जैसे कि 50 क्वेश्चन कर रहे हो, 5 गलत भी हो गए तब भी आपके जो मार्क्स हैं मैथ्स में वो 80+ मार्क्स आ जाएंगे, इससे आपका मैथ्स का कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये एम होना चाहिए। इसके लिए कितना टाइम देना, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो तो आपको बस प्रैक्टिस करनी है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको बस प्रैक्टिस करनी है। अगर आप वीक हो मैथमेटिक्स में तो उसके लिए आपको डेफिनेटली देखना चाहिए कि क्या अदर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। और बात अगर करते हैं कोचिंग की, तो देखो मैं हमेशा अपने चैनल पे वही चीज़ सजेस्ट करूँगा आपको जो मैं खुद अपने भाई को
या किसी क्लोज वन को सजेस्ट करूँ, ठीक है? तो देर लॉट ऑफ ऑप्शन अवेलेबल दीज डेज, ऑनलाइन ऑफलाइन आपके पास मोड्स भी हैं अलग अलग, बट मुझे जो टीचिंग स्टाइल, मैंने काफ़ी ट्यूटर्स को देखा यूट्यूब पे, एंड आई रियली फाउंड दैट लर्न विद सुमित प्लेटफॉर्म इज़ डूइंग ग्रेट, ठीक है? आप उनके रिजल्ट चेक कर सकते हो, जिन बच्चों ने वहाँ से कोचिंग लिया आप उनसे बात करके देख सकते हो, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे ना एक ट्रेडिशनल मेथड ही फॉलो करते हैं वो। ट्रेडिशनली क्या होता था ना, स्कूल में थोड़ा टीचर्स पुश करते थे बच्चे को, जो अच्छा बच्चा होता है, जो सिंसियर होता है, अच्छे बच्चे से मेरा मतलब सिंसियर बच्चा, सिंसियर बच्चा वही है जो एफर्ट्स लगाता है, जिसको अगर कुछ कहा जाए तो वो करके आता है। अगर आप समझते हो कि आप उस कैटेगरी में आते हो, यू आर अ गुड स्टूडेंट, देन यू शुड डेफिनेटली कंसिडर लर्न विद सुमित, और आप ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा आपको सूटेबल हो आप वो कर सकते हो। आई ट्राई टू फाइंड देयर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो मुझे एक नंबर मिला है, इस पर प्लीज़ चेक करो कि क्या उनका कोर्स है, कब से शुरू हो रहा है, क्योंकि 100 डेज इनफ है। अगर आप 3 महीने के लिए कोचिंग जाते हो ना कोई, और आप अच्छे से पुट इन मारते हो, तो सबसे अच्छी फ़ायदा जो है आपका हो जाएगा रोड मैप का, आपको एक रोड मैप मिल जाता है, उनको पता है कि कितने वीक में किस टाइम स्लॉट में कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर देने, कौन सा टॉपिक खत्म हो जाना चाहिए, टाइम टाइम पे मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, ये सारी चीज़ें हैबिचुअल हो जाती हैं। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं, मैंने अभी बात की, जिनसे मुझे पता लगा कि उनके परसेंटेज तो 12th में 90 से ज़्यादा है, बट उनसे एनडी एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, तो ये एक आयरनी है, ठीक है? इफ़ यू कैन स्कोर मोर देन 90% इन 12th स्टैंडर्ड, यू कैन ईजिली क्लियर दिस एग्जाम, बिलीव मी। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स, मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट के लिए आप टॉपिक निकाल लो, ठीक है, और उसको अपने हिसाब से देख लो। अब बात करते हैं जीएस की। बहुत से बच्चे ऐसे जिनका मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, जीएस स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनको जीएस में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अब देखो जीएस का पहले सिलेबस देखते हैं एक बार। ये क्लियरली मेंशनड है यूपीएससी में कि सबसे ज़्यादा वेटेज जो फिजिक्स को दिया जाएगा 25%, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनका 15-10% वेटेज है। अब इसमें देखो, करंट अफेयर जो चीज़ सर्टेन नहीं है ना उसके पीछे ज़्यादा मत भागो, जो चीज़ सर्टेन है उसके पीछे भागो। दो एनसीईआरटी पकड़ लो 9th एंड 10th की, उसको अच्छे से लाइन टू लाइन रीड कर दो और नोट्स बना लो अपने। तो तुम्हारा फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, और जनरल जो साइंस एंड एनवायरनमेंट है, इसके सारे क्वेश्चंस तुमसे हो जाएंगे, ठीक है? बच गया सिर्फ अब पॉलिटी, हिस्ट्री और फ्रीडम मूवमेंट। फ्रीडम मूवमेंट के लिए 8th की Part 1 and Part 2 एनसीईआरटी पढ़ सकते हो लाइन टू लाइन। यू हैव टू मेक गुड नोट्स और लाइन टू लाइन पढ़ना है, ठीक है? इससे आपका फ्रीडम मूवमेंट पूरा कवर हो जाएगा। अगर आप ये करने के लिए रेडी हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अदरवाइज़ अगर आप ये कोचिंग कोई ज्वाइन कर रहे हो डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको कवर करवा देंगे। अब बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। देखो इंग्लिश का जो सेक्शन है उसको बच्चे बहुत लाइटली ले लेते हैं। मैथ्स जो कि 300 मार्क्स का होता है उस पर 4-4 घंटे देते हैं दिन में, इंग्लिश 200 मार्क्स का है उसको हार्डली कोई 15 मिनट भी नहीं देना चाहता, और ये भी एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता। दो स्टूडेंट्स हु आर गुड एट इंग्लिश, हु आर हैबिचुअल ऑफ रीडिंग, दे जनरली डू वेल इन दिस सेक्शन। आउट ऑफ 50 क्वेश्चन दे आर एबल टू अटेम्प्ट मोर देन 35-40 क्वेश्चंस एंड विद एन एक्यूरेसी ऑफ 90%, ओके 85-90%, दैट इज़ वाई दे आर एबल टू क्लियर द एग्जाम। लेकिन जो बच्चे ऐसे हैं जो हैबिचुअल नहीं है रीडिंग के, जिन्हें ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज का ऑन अ डेली बेसिस, दे फेल, ओके? एंड माई एडवाइस विल बी स्टार्ट रीडिंग, ठीक है? ये चीज़ आपको सिर्फ रिटन में ही हेल्प नहीं करेगी, SSB में भी हेल्प करेगी, आगे लाइफ में भी हेल्प करेगी। तो एक हैबिट आपको बनानी है रीडिंग की, और दूसरी चीज़ है वॉच इंग्लिश न्यूज़ चैनल, या तो DD न्यूज़ देखो या फर्स्ट पोस्ट देखो, डिपेंड्स कि तुम्हें कौन सा भाई एंकर अच्छा लगता है, किसका कंटेंट अच्छा लगता है, बट वॉच वन इंग्लिश न्यूज़ चैनल और एनी चैनल ऑन YouTube विच कवर्स द करंट अफेयर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। इससे क्या होगा, आपको नए वर्ड्स भी सीखने को मिलेंगे, साथ ही साथ थोड़ा करंट अफेयर्स का नॉलेज भी रहेगा कि वॉट इज़ गोइंग ऑन इन दी वर्ल्ड। तो ये तो बात होगी आपके सिलेबस की और इसको कैसे कैसे कवर करना है, मैंने सबके लिए एक सजेशन दे दिया। अब बात करते हैं जो 12th के स्टूडेंट्स हैं जो अभी स्कूल में हैं, उनको क्या करना चाहिए। उनको तो मैं यही बोलूँगा कि आप अपना फोकस एकेडमिक्स पे रखो ज़्यादा, ठीक है? और आधे एक घंटे का टाइम आपको डेली देना पड़ेगा इफ़ यू रियली वांट टू क्लियर दिस एग्जाम, और वो टाइम आपका जाना चाहिए जीएस एंड इंग्लिश के लिए, ठीक है? 600 मार्क्स का जो पेपर है, मतलब 2/3 ऑफ द पेपर जो है उसको आपको अलग से टाइम देना है। मैथ्स आपके स्कूल में टीचर ने 11th पूरा कवर कर चुके हैं आपका, आप उसके PYQs करना शुरू कर दो। 12th में जैसे जैसे टॉपिक्स हो रहा है आप उसको रिविजन अच्छे से करते जाओ। अगेन आई विल रिपीट द पॉइंट जो मैंने शुरू में बोला था कि अगर आपने सही से कर दिया 11th 12th की मैथ्स, तो 40 क्वेश्चन तो आप आराम से कर लोगे। तो अगर आपने GAT में अच्छे नंबर लिया है तो रिटर्न तो क्लियर हो ही जाएगा। अब मैं आपको कट ऑफ ट्रेंड्स बताता हूँ। जो NDA 2023 का, उसकी कट ऑफ सिर्फ 292 मार्क्स थी, ऑफिशियल साइट पे जाके चेक करना है, 292 और 291 मार्क्स, ठीक है? नॉट इवन 295। और NDA 1 जो था 2023 का, उसकी कट ऑफ 301 मार्क्स थी। तो पेपर तो भाई 350 एक टाइम पे होता था कि 350, 330, 340 के अराउंड होता था कट ऑफ कितनी डाउन जा चुकी है। अब खुद ही सोचो कि 20% मार्क हर सेक्शन में लाना था, जो पिछली बार का सेकंड पेपर था, ठीक है?
तो यहाँ पे गेम पूरा एक्यूरेसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड एग्जीक्यूशन का है। ये चार चारों चीज़ आपके पास होनी चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको सजेस्ट किया कि अगर आप एक सिंसियर स्टूडेंट हो एंड यू जस्ट नीड सम काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म, सो डोंट फर्गेट टू चेक आउट लर्न विद सुमित, जिसका नंबर मैंने आपको डिस्प्ले कर दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। दे हैव बीन गिविंग अमेजिंग रिजल्ट फ्रॉम लास्ट 3-4 ईयर्स, बहुत ही कंसिस्टेंट रहे हैं। तो अगर आपको सही में लगता है ज़रूरत है तो प्लीज़ चेक इट आउट, आप उनके यूट्यूब वीडियोज़ भी देख सकते हो। बाकी कोई भी डाउट होता है, कोई भी आपको कंटेंट किसी चीज़ पे चाहिए, तो आप प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट ऑन दिस वीडियो। और साथ ही साथ जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो SSB के बारे में होगी, बिकॉज लॉट ऑफ कैंडिडेट्स विल गेट देयर SSB डेट्स वेरी सून। सो आई विश देम ऑल द बेस्ट। स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद। थैंक यू।